टैडी गोल्डन की क्रॉस में से आई है। मेरा मानना ये है कि गोल्डन और टैडी के अंदर स्पेशली स्पेशली जो है ना, ये पलकें पीली होनी चाहिए। ठीक, होपफुली आप दोस्तों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है जनाब, और कबूतर आपका कोई भी उड़ने वाला है ना, अगर आप शो करने वाले हो, तो उसका ये जो कुंदा है ना, मतलब ये जो बगल है, ये यहाँ से खाली नहीं होनी चाहिए। ये जो पूंछ है इसका एक पर होना चाहिए। जो कबूतर बहुत ही सयाना होता है ना, मतलब जो बहुत अकलमंद होता है, वो मोस्टली ऐसे होता है कि उनके ऊपर जो है ना ये छाप होती है, इस तरह की गाड़ी छाप होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? मेरे सब कह रहे से होंगे, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जनाब वाले, आज मैं आपको अपने कुछ कबूतरों का शो करवाऊंगा, तो आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा पीस किस तरह का लगा है, मतलब कौन सा मेरा पीस अच्छा है, कौन सा जो है ना वो बुरा है। ठीक है, आपने कमेंट करके अपना अपनी राय का इजहार लाजमी करना है जनाब। ठीक है, तो मैं आज जो है ना आपको अपने बर्ड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देने जा रहा हूँ। ठीक है जनाब, मतलब आपको शो करवाऊँगा, जो शौकीन नज़र आते हैं वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको जो है ना मेरे कबूतर कैसे लगे हैं। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं कबूतरों की तरफ। ये चीज़ें तो मैं आपको रोज़ जो है ना वो दिखाता हूँ कि ये मेरे पास ये पड़े हुए हैं और ये इसने ये वाला बच्चा निकाल दिया, तो मैंने आपको कभी भी इनका शौक नहीं करवाया, मतलब कि मैंने कौन कौन सी नस्ल रखी हुई है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन बाय वन पकड़ के दिखा दूं, तो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको जो है ना ये कैसे लगे। ठीक है जनाब, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वन बाय वन पकड़ के दिखाऊं, इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, छोटी सी वीडियो होगी जनाब, आपने एंड तक लाजमी देखनी है। और नए आने वाले हजरात काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैं इसको पहले कहीं पर फिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना अपने बर्ड दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। कबूतर छोड़े हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना मुझसे जितना नॉलेज मिल सके मैं आपको दूं। ठीक है जनाब, सो ये मेरा पिजन आई थिंक ये गोल्डन में है, और आप लोग इसकी पहले आँख का शो करो। ठीक है, ये देखो ये इसकी आँख है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जनाब इसकी आंख है, होपफुली आप दोस्तों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है जनाब, और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है ना सयानख, मतलब जो कबूतर बहुत ही सयाना होता है ना, मतलब जो बहुत अकलमंद होता है, वो मोस्टली ऐसे होता है कि उनके ऊपर जो है ना ये छाप होती है, इस तरह की गाढ़ी छाप होती है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी आंख के अंदर कुछ डोरे होते हैं, इसके ऊपर मैं एक तफसीलन वीडियो एक दिन बनाऊंगा, तो वो जो है ना फिर आपको उस हिसाब से ही समझाऊंगा। तो मैं अभी बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रहा हूँ एक जगह पे कैमरा रख के। तो अब इसके कुंदे का आप शो कर लें, ये देखो कबूतर आपका कोई भी उड़ने वाला है ना, अगर आप शो करने वाले हो, तो उसका ये जो कुंदा है ना, मतलब ये जो बगल है, ये यहाँ से खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कबूतर का जितना मर्जी पंख खोलो, वो उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है, तो ये आप शो करो, बाकी चीज़ें तफसीलन एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इसके ऊपर एक तफसीलन जो है ना वो वीडियो मैं बना दूँगा। ठीक है, बहरहाल ये कुंदा, ये देखो ये बगल खुली नहीं होनी चाहिए, सो ऐसे कबूतर बहुत अच्छे परवाजी होते हैं। सबसे जो ख़ास बात है कबूतर की, उसमें एक चीज़ ये है कि आपका मतलब पूंछ का एक पर होना चाहिए, और जो उड़ने वाला अच्छा कबूतर होता है ना, उसके पंजे खुश्क होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसकी आंख में हल्के से लाल डोरे होंगे। ठीक है, जैसे आप देखो तो कुछ हल्की आंख वाले होते हैं और कुछ गाढ़े आँख के डोरे होते हैं। ठीक है, तो इसकी आँख के अंदर जो रिंग होता है ना, ये ब्लैक कलर का जो इसकी ज़मीन है, मतलब जो एक तो नूर है ना, ठीक है, एक नूर के अलावा जो दूसरा रिंग होता है ना, वो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितना ज़्यादा डार्क होगा, उतना ही ज़्यादा जो है ना कबूतर सयाना होगा, मतलब कबूतर उतना ही ज़्यादा अक्लमंद होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो इसकी आँख के अंदर रिंग तो है, ठीक है,
लेकिन मेरे मुताबिक अगर आप लाइव देखो तो वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे जो है ना इसकी आँख की रिंग फटे नहीं हुए, और ये इतना सयाना है कि इसके बच्चे मतलब बहुत जल्दी घर आ जाते हैं, और ये तकरीबन सुबह अगर उड़ाओ तो 8-9 बजे उड़ाएं तो ये शाम को 3-4 बजे तक जो है ना वो बैठ जाता है, 3-4-5 बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं। तो अब इसकी टाइमिंग नहीं बनाई, बहरहाल ये है कि ये फ़िलहाल इतनी टाइमिंग दे रहा है। तो बाकी आप लोग ये देखें, हाँ पूंछ का एक पार होना चाहिए, ये जो पूंछ है इसका एक पार होना चाहिए, ऐसे लेफ्ट नहीं होनी चाहिए, राइट नहीं होनी चाहिए, पूंछ का एक पार होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखो कि जब आपने कोई कबूतर लेना है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 9वां 10वां पर जो है ना ये जो मतलब ये तो चलो हो गए, उसके बाद ये जो बगल से निकल रहा होता है ना एक पर, ठीक है, ये वाला पर, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा कबूतर अच्छा होगा। दूसरा कबूतर में जो है ना वो क्या नाम लेता है, कबूतर हाथ में नहीं आना चाहिए, हाथ में ना आने से मुराद ये है कि जब कबूतर को पकड़ो तो कबूतर फिसलता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है ना चिकनाहट होती है उसकी परों के अंदर, ये कुदरती होती है, ठीक है। तो ऐसे कबूतर बहुत ही अच्छी प्रवास करते हैं, ठीक है जनाब। तो देखो कि ये एक और कबूतरी है, और ये जो है ना टेडियो में से है, लेकिन ये प्योर टेडी नहीं है, ठीक है, टेडी गोल्डन की क्रॉस में से आई है। तो ये भी आप लोग दो शौक करें, ठीक है, बाकी जो बातें मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये भी सेम चीज़ वैसी ही है और बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही उड़ने वाली चीज़ है, बहुत ही हल्की है और बड़े अच्छे परों की है, और इसके अंदर जो है ना वो अक्लमंदी भी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं आपको शो करवाता हूँ इसको, अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ये देखो जनाब, बहुत अक्लमंद है, बहुत ही ज़्यादा, और परवाज में भी बहुत ही अच्छी है। आप दोस्त शो करें, देखें इसको, बहुत खूबसूरत है। अभी ये जो सेकंड डोरे की मैं बात कर रहा था, मतलब ये जो एक नूर होता है, ये जो बीच में ब्लैक कलर का है, इसके बाद जो एक लाइन होती है काले कलर की, हल्का सा ग्रे कलर है, जितनी ज़्यादा डार्क होगी कबूतर उतना ही ज़्यादा अक्लमंद होगा। उसके बाद ये जो पलकियाँ होती हैं ना, ये जो पलकियाँ होती हैं, अक्लमंद और अच्छे कबूतर की पहचान ये है कि उनकी मोस्टली ये होता है कि हर नस्ल का अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि गोल्डन और टैडी के अंदर स्पेशली जो है ना ये पलकें पीली होने चाहिए, ठीक है जनाब। तो ये गोल्डन और टैडी का क्रॉस है। बहरहाल अब इसके कंधे का शौक करें, ये देखते हैं, ये देखें, ये पर देख रहे हैं आप, ये वाला ये 10वां पर है, ये देख रहे हैं कितना बड़ा है, इससे 9वें पर से बड़ा है। तो ये कबूतर भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसके पर भी जो है ना वो मुलायम है, और इसकी टेल अगर देख लो, ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड से मुराद ये है कि जब आपकी फीमेल या मेल की टेल लेफ्ट साइड पे पर हो तो आपने उसको या राइट में, या जिसकी टेल बिल्कुल सीधी, मतलब एक एक पर वाले कबूतर के साथ लगाएंगे तो उसके पर जो है ना वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ठीक है, तो कबूतर अच्छे बन जाते हैं। और कबूतर आपका बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जोड़ों से हल्का होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहाँ पर तमाम करूँ, और आप लोग शो करें इसका, और मज़ीद जो है ना मैं आपके साथ वीडियो वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। सो मैं इसको ऊपर छोड़ के आपको दिखाता हूँ, और बाकी जो है ना ये देखो क्या बात, और ये बच्चे बहुत ही अच्छे पालती है जनाब। सामने देख रहे हो कबूतर, इस तरह का कबूतर उड़ने वाला होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा वो पहलवानों की तरह खड़ा हो, ऐसे सीधी छाती करके तो कबूतर होना चाहिए। ये नीचे देख रहे हो, ये मोतियों वाला मेरे ख्याल से, और इसकी आँख का शौक करो, बहुत ही खूबसूरत आँख है,
और इसने एग दिए हुए जनाब। ये भी बहुत ही लेवल की चीज है। तो ये कुछ कबूतर मैंने रखे हुए थे, ठीक है। आप लोग ये सामने फीमेल देख रहे हो, ये फीमेल बहुत कमाल की है, बड़ी सियानी है, बहुत ही सियानी है। ये देखो, ये देखो, तो होपफुली आपको जो है ना आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा। उस्ताद हजरात काइंडली, अगर मैं गलत हूँ कहीं पे तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपने मेरी बातों को अगर अच्छी हैं तो आपने आके शेयर करना है, ठीक है। और अगर उसमें कोई खामी है तो आपने काइंडली कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि भाई यहाँ पर आप गलत हैं, अपने आपको सही करें, क्योंकि कबूतर छोड़े हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है और कबूतरों के अंदर मैंने काफ़ी आगे जो है ना मतलब काम किया, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, मैं तोतों में आ गया, ठीक है। तो मैं इससे जितना हो सकेगा मैं आपके साथ नॉलेज शेयर किया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।